नमस्कार। हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलनी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तो आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें जीवन में सफल होने के लिए सकारात्मक अधिगम रखना बहुत जरूरी है। प्रेरणा आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के संपर्क में रह सकते हैं। यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। हमारे जीवन की हर वह छोटी सोच और आदत को बदलना होगा जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में रुकावटें डालती है। जीवन में हार और जीत हमारी सोच बनाती है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने आप को सदा सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की वो प्रसिद्ध उक्ति तो आपको याद होगी, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इस मामले में हम नदी का उदाहरण ले सकते हैं। नदी सतत प्रवाहित होती रहती है, उसके मार्ग में चाहे कितने भी बाधाएं आए वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। नदी की मंजिल सागर होती है और वह सागर में मिलने के लिए किसी भी हाल पर किसी भी पद पर अविरत बहती रहती है। जीवन में लक्ष्य बड़े बनो और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दो। अपने संवाद की कला को बेहतर बनाओ, जीवन में अनुशासन को बढ़ावा दो। मेरे प्यारे दोस्तों, अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वयं पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए और हिम्मत बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।